तो फाइनली गाइस मैंने अपने गेम का न्यू अपडेट ले लिया और न्यू अपडेट में मैंने मल्टीप्लेयर मोड भी ऐड कर लिया अपने गेम के अंदर में। और तो और गाइस यार मैंने अपनी इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के अंदर में ओल्ड थार भी ले चुका हूँ, यहाँ पर देख लो तुम लोग। तो हाँ गाइस यार तुम लोग ने बहुत ही सही सुना, मैंने फाइनली अपनी इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम का न्यू अपडेट ले लिया और न्यू अपडेट के अंदर में देख लो पुलिस स्टेशन के अंदर में पुलिस भी ऐड करा दी है मैंने। गाइस यार यहाँ पर देख लो मैंने अपने गेम के अंदर में ओल्ड थार ले लिया है। हाँ गाइस तुम लोग बिल्कुल देख सकते हो लाइव प्रूफ, मैंने अपने गेम के अंदर में ओल्ड थार भी ले ली है। गाइस मैं आज तुम लोग को आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस प्रकार तुम लोग को अपने इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के अंदर में सबसे पहले मल्टीप्लेयर मोड ऐड करना और फिर किस प्रकार पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस ऐड करना। फिर गाइस मैं तुम लोग को इसके बताने के बाद ये बताऊंगा कि किस प्रकार तुम लोग को अपने इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम में कौन सा चीट कोड डाल करके तुम्हारे गेम के अंदर में भी तुम लोग को ओल्ड थार देखने के लिए मिल जाएगी। तो गाइस अब तुम लोग को अपने इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के अंदर में ये सभी चीजों का चीट कोड वगैरह जानना है तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले हमारी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा वॉच करना। साथ ही गाइस ये वाली वीडियो को जल्दी से अपने दोस्तों में शेयर कर देना ताकि उन लोगों को भी पता चल जाएगा कि किस प्रकार अपने गेम के अंदर में उन लोगों को ये सभी चीज लेना है। गाइस यार देख सकते हो अपने इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के अंदर में पुरानी थार 4x4 की बनाई गई, देख सकते हो इस बार हमारी इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम थार के ऊपर 4x4 लिखा गया। और गाइस मैं तुम लोग को अभी अपने इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम की ये थार का कलर चेंज करके भी दिखाने वाला हूँ। हाँ गाइस अपन अपने गेम के अंदर में थार का कलर भी चेंज कर पाएंगे। और गाइस यार अपने इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के अंदर वो मॉडिफाइड थार है ना उसको तो रिमूव कर दिया गया, उसकी जगह हमारे गेम के अंदर में ये वाली थार ऐड किया गया। और गाइस यार अपनी थार का चीट कोड 9090 ही होने वाला। हाँ मैंने तुम लोग को तो चीट कोड अब बता दिया पर तुम अपने गेम के अंदर में 9090 डायल करोगे तो मॉडिफाइड थार आएगी, क्योंकि गाइस तुम लोग ने अपने इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम को अभी तक अपडेट नहीं किया। तो तुम लोग जब तक अपने गेम को अपडेट नहीं करोगे तुम्हारे गेम के अंदर में ये सभी चीज तुम्हें देखने के लिए नहीं मिलेगी। अब गाइस यार तुम लोग सोच रहे होगे कि मैंने अपने इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम को अपडेट कैसे किया, तो चलो तुम लोग को वो बता देता हूँ, पर उससे पहले अपने थार की स्पीड और रियल आवाज सुना देता हूँ। लोग गाइस जल्दी से थार की रियल आवाज सुनो फिर इसका कलर चेंज करना बताता हूँ। गाइस यार अभी तो मुझे थार चलाने में बहुत ही ज्यादा मजा आया, तुम लोग अपने गेम के अंदर में जब ये वाली थार को चलाओगे तुम्हें भी बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। और गाइस यार देख सकते हो मेरे पुलिस स्टेशन के बाहर दो पुलिस बंदूक लेकर भी खड़ी, तुम्हारे पुलिस स्टेशन के अंदर तो ऐसा कुछ भी देखने के लिए तुम्हें नहीं मिलने वाला है, क्योंकि गाइस तुम लोग ने अभी तक अपने इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम को अपडेट नहीं किया है और अपडेट जैसे ही करोगे तुम्हारे गेम के अंदर में ये सभी चीज तुम्हें देखने के लिए मिल जाएगी। गाइस यार तुम लोग सोचोगे कि तुम लोग को अपने इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम को अपडेट कैसे करना है, तो मैं बताता हूँ, पर उससे पहले देख लो मैंने अपनी थार का कलर भी चेंज कर लिया है, देख सकते हो पीली कलर की कर लिया है। गाइस यार मैं तुम लोग को अभी अपनी पुलिस को मारकर दिखाने वाला हूँ, बाहर की पुलिस के ऊपर अपन थार चढ़ाकर देखेंगे फिर देखेंगे कि अब वो पुलिस अपने ऊपर अटैक करती है नहीं। फिर गाइस मैं तुम लोग को बताऊंगा कि किस प्रकार तुम लोग अपने गेम के अंदर मल्टीप्लेयर मोड लेना और किस प्रकार उसको एंजॉय करना, मैंने तो एंजॉय करा, मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आया। तो चलो यार अपनी पुलिस के ऊपर मैं जैसे ही थार ठोकता हूँ तो देख सकते हो हमारी पुलिस को तो ऐसा कुछ भी इफेक्ट वगैरह नहीं पड़ता, देख सकते हो जगह से हिलती भी नहीं। चलो गाइस इस बार थोड़ा स्पीड में ट्राई मारते, तो गाइस देख सकते हो मैंने अपनी थार की बहुत ज्यादा स्पीड कर लिया और यहाँ पर ठोका तो इस बार भी कुछ इफेक्ट वगैरह नहीं पड़ा। अभी गाइस मैं तुम लोग को एक सीक्रेट बात बता देता हूँ, अगर तुम लोग ये पुलिस को छेड़ोगे तो वो तुम्हें दोनों पुलिस बाहर वाली तुम लोग को मार देगी। गाइस यार अपने इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के अंदर में ये दो बाहर की पुलिस बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली, क्योंकि अपन जैसे गोली चलाएंगे तो अपने ऊपर बहुत ज्यादा डैमेज देने वाली है। गाइस ये बाहर वाली पुलिस बहुत ज्यादा खतरनाक है, अगर अपन ने अंदर वाली पुलिस को मारा ना तो ये अपन को बचने नहीं देगी, भाजी मुरा बना देगी। इसलिए गाइस तुम लोग को अगर अंदर वाली पुलिस को मारना तो पहले बाहर वाली पुलिस को मारना है, आपसे फिर अंदर वाली पुलिस को मार पाओगे तुम लोग। चलो गाइस यार ये तो हो गई रैंडमली बात, अब मैं तुम लोग को बता देता हूँ कि किस प्रकार तुम लोग को अपने इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के अंदर में ये सभी चीजें लेना है। गाइस उससे पहले मेन बात मैंने तुम लोग को बोला था, रोहित सर पूछना चाहते थे कि अपने इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम में और क्या ऐड किया जाए, तो गाइस तुम लोग ने भर भर के कमेंट किया कि गाइस हमारे इस बार के अपडेट में हम लोग को इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के अंदर पुलिस बाइक देखने के लिए मिले। गाइस मैं तुम लोग को बता दूं हमारे गेम से रिलेटेड एक बहुत बड़ी खुशखबरी, रोहित सर के पास यह बात पहुंच गई है न्यू अपडेट से रिलेटेड, तो वो जल्दी से हमारे गेम में पुलिस बाइक ऐड कर
करा देंगे। और अब गाइस रोहित सर तुम लोग से और पूछना चाहते कि अपने इंडियन मैग ड्राइव 3D गेम में क्या ऐड कराना, तो तुम लोग जल्दी से उस चीज की डिमांड को लेकर जल्दी से कमेंट कर दो, जिससे कि मैं गाइस वो बात भी रोहित सर को जल्दी से बताऊंगा, जिससे कि रोहित सर जल्दी से अपने इंडियन मैग ड्राइव 3D गेम में अंदर में और ज्यादा चीज ऐड कर देंगे। तो चलो गाइस यार मैं तुम लोग को बता देता हूँ कि किस प्रकार तुम लोग को अपने इंडियन मैग ड्राइव 3D गेम के अंदर मल्टीप्लेयर मोड लेना, पर उससे पहले तुम लोग देख लो मैंने किस प्रकार अपने गेम के अंदर मल्टीप्लेयर मोड ले लिया। गाइस यार मुझे तो इस वाले मल्टीप्लेयर मोड को खेलने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है, इसे एंजॉय करने में भी तुम्हें भी बहुत मजा आएगा, तो चलो अब मैं तुम लोग को बता देता हूँ। साथ ही गाइस मैंने अपनी इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के अंदर में देख सकते हो पुलिस भी ऐड कर ली है, तुम्हारे गेम के अंदर में तुम्हें पुलिस देखने के लिए नहीं मिलने वाली, तो चलो अभी ये भी बता दूंगा साथ में। और फिर गाइस मैं इसके बाद तुम लोग को बता दूंगा कि किस प्रकार तुम लोग अपने इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के अंदर में कौन सा चीट कोड लगाओगे, फिर कौन से चीट कोड से तुम्हारे गेम के अंदर में थार देखने के लिए मिलेगी। तो चलो गाइस मैं तुम लोग को सबसे पहले मल्टीप्लेयर मोड लगाना बता देता हूं। तो तुम लोग को मल्टीप्लेयर मोड खेलने के लिए कुछ नहीं करना, सबसे पहले अपने गेम के अंदर में 320 डायल करके एक जेट पैक को बोला लेना है। तो मैंने तो अपने गेम के अंदर में एक जेट पैक को बोला लिया, साथ ही उसी के साथ एक और उसी के बाजू में एक और जेट पैक को बोला लेना, बड़े वाले जेट पैक को बोलाना, छोटे वाले जेट पैक को तुम लोग मत बोलाना। तो चलो यार यहाँ पर मैंने दोनों जेट पैक को बोला लिया, अब उस जेट पैक के मतलब कोई भी एक जेट पैक के ऊपर बैठ जाना, और जिस प्रकार मैं उस जेट पैक को उड़ा रहा हूँ उसी प्रकार उड़ा के उस जेट पैक के सामने लाना है। तो गाइस यार देख सकते हो मैं धीरे धीरे इस जेट पैक के सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ, चलो इसको नीचे रख लेते और उस वाले जेट पैक के सामने ले आते इस जेट पैक को। देख सकते हो मैंने यहाँ पर सामने ले आया हूँ, अब इस जेट पैक से उतर जाना और फिर से उसी बटन में बैठ जाना, मतलब उसी बटन को बट सके बैठ जाना उसी जेट पैक, और धीरे धीरे अपने जेट पैक को फ्लाई करना। देख सकते हो मैं धीरे धीरे जैसे अपने जेट पैक को फ्लाई करता हूँ तो दोनों जेट पैक उड़ने लगते हैं गाइस। अब चलो मैं तुमको मल्टीप्लेयर मोड भी खेल कर दिखा रहा हूँ, देख सकते हो गाइस दोनों जेट पैक उड़ रहे हैं साथ में, ऐसा लग रहा है कि हम लोग अपने गेम के अंदर में मल्टीप्लेयर मोड खेल रहे हैं। गाइस तुम लोग अपने इंडियन बाइक ड्राइव 3D गेम के अंदर में कुछ इस वाली ट्रिक को लगाकर अपने गेम के अंदर में सस्ता मल्टीप्लेयर मोड खेल कर इसको एंजॉय कर सकते हो। गाइस यार यकीन मानो तुम लोग अपने गेम के अंदर में ये वाली ट्रिक जरूर लगाना, तुम लोग को इस वाली ट्रिक को खेलने में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, ऐसा लगेगा कि तुम लोग रियल में मल्टीप्लेयर मोड खेल रहे हो। तो चलो गाइस यार मैंने तो तुम लोग को अब सस्ता मल्टीप्लेयर मोड बता दिया, चलो अब मैं तुम लोग को बता देता हूँ कि किस प्रकार तुम लोग को रियल में मल्टीप्लेयर मोड लेना और ऐड ऑप्शन वाला कैसे करना है, ऑप्शन लेना मेरे जैसे तुम लोग। तो चलो मैं तुम लोग को पहले मल्टीप्लेयर मोड के साथ साथ वो भी बता देता हूँ थार का चीट कोड क्या। तो जैसे ही तुम लोग 6677 डायल करोगे तुम्हारे गेम के अंदर में एक JCP आ जाती है। पहले मैं तुम लोग को थार के साथ जो न्यू चीट कोड ऐड हुए वो बता देता हूँ। तो अगला चीट कोड है 8880, जैसे डायल करोगे तुम्हारे गेम के अंदर में ये कैंपिंग कार भी आ जाएगी गाइस। इसके बाद अपना नेक्स्ट चीट कोड होने वाला है अपनी बोलेरो कार का, तो 3100 जैसे डायल करोगे 3100 तो तुम्हारे सामने बोलेरो कार आ जाएगी और इसका कलर भी चेंज कर पाओगे तुम लोग। चलो मैं तुम लोग को बाबू भैया वाली कार बता देता हूँ। तो हमारी तीसरी कार होने वाली मस्टंग GT कार का चीट कोड, तो 8123 है मस्टंग GT कार का चीट कोड। गाइस अपना अगला चीट कोड होने वाला अपने इंडियन बाइक ड्राइव 3D गेम के अंदर में 2244, जैसे डायल करोगे तो सुपर कार आ जाएगी। चलो गाइस मैं तुम लोग को अपने इंडियन बाइक ड्राइव 3D गेम के अंदर में आर्मी टैंक का चीट कोड बता देता हूँ, जिसका चीट कोड होने वाला 4040। फिर मैं तुम लोग को बता दूंगा कि किस प्रकार तुम लोग को अपने गेम के अंदर में महिंद्रा थार लेना है। तो देख सकते हो गाइस मैं अपने इंडियन बाइक ड्राइव 3D गेम के अंदर में 4040 जैसे डायल करता हूँ तो मेरे सामने आर्मी टैंक आ जाता है, पर वो चट के चला जाता है। तो मैंने तुम लोग को ऑनली चीट कोड तो बता दिए। अब चलो गाइस मैं तुम लोग को बता देता हूँ कि किस प्रकार तुम लोग को अपने इंडियन बाइक ड्राइव 3D गेम के अंदर में मल्टीप्लेयर मोड खेलना और उसे खेलकर एंजॉय करना, और किस प्रकार अपने गेम के अंदर पुलिस मतलब ऐड करना पुलिस स्टेशन के अंदर। फिर गाइस मैं तुम लोग को महिंद्रा थार का चीट कोड भी बता दूंगा। तो गाइस मैं तुम लोग को बता देता हूँ ये सभी चीजें लेने के लिए तुम लोग को अपने गेम के अंदर अपडेट लेना होगा सबसे पहले। हाँ गाइस यार तुम लोग ने बहुत ही सही सुना, तुम लोग को ये सब चीज लेने के लिए अपने इंडियन बाइक ड्राइव 3D गेम के अंदर हमें अपडेट लेना, और अपडेट लेने के लिए क्या करना है वो भी बता देता हूँ। गाइस यार मैं तुम लोग को बता दूं मैंने अपने इंडियन बाइक ड्राइव 3D गेम का अपडेट भी नहीं लिया, और अभी तक अपने इंडियन बाइक ड्राइव 3D गेम का अभी तक कोई भी अपडेट भी नहीं आया। गाइस यार तुम लोग सोच रहे होगी कि मैंने अपने इंडियन बाइक ड्राइव 3D गेम के अंदर पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस वगैरह ये सभी चीजें क्लिप वगैरह कैसे दिखाई। तो गाइस मैं तुम लोग को बता दूं ये जो भी क्लिप वगैरह मैंने तुम लोग को दिखाई ना वो मुझे रोहित सर ने सेंड की थी तुम लोग को बताने के लिए, कि उन्होंने बोला था कि हमारी ऑडियंस को दिखा कि इस बार के अपडेट में ये सभी चीज ऐड होने वाली है। गाइस मैंने तुम लोग को एक वीडियो बनाकर प्रॉपरली उसमें पूरा बता दिया कि अपने इंडियन बाइक ड्राइव 3D गेम के अंदर में क्या क्या ऐड हो गया और क्या क्या ऐड होने वाला है। मैं बता देता हूँ कि अपने इंडियन बाइक ड्राइव 3D गेम का अपडेट हमें कब देखने के लिए मिलेगा। तो गाइस अपने इंडियन बाइक ड्राइव 3D गेम का अपडेट अपन लोग को मार्च में देखने के लिए मिलने वाला है। मैं तुम लोग को बता देता हूँ मार्च में कब तक देखने के लिए मिलने वाला। तो मार्च में गाइस हम लोग को 6-7 तारीख के बीच तक देखने के लिए मिल जाएगा अपने इंडियन बाइक ड्राइव 3D गेम का अपडेट। तो चलो गाइस अब मैं तुम लोग को बता देता हूँ अब तुम लोग को क्या करना है। तो गाइस अब तुम लोग को कुछ नहीं करना, जल्दी से जाओ कमेंट बॉक्स में बताओ तुम्हारी लोगों की क्या डिमांड है, जल्दी से अपनी डिमांड कमेंट कर दो, जिससे कि मैं रोहित सर को वो डिमांड दिखाऊंगा, जिससे कि रोहित सर जल्दी से अपने इंडियन बाइक ड्राइव 3D गेम के अंदर में जल्दी से वो चीजें ऐड कर देंगे, जैसे कि पुलिस बाइक ऐड करने वाले। तो गाइस अब तुम लोग को जो भी अपने इंडियन बाइक ड्राइव 3D गेम के अंदर में जल्दी से ऐड कराना जल्दी से कमेंट कर दो, जिससे कि हम लोग को 7 मार्च तक अपने इंडियन बाइक ड्राइव 3D गेम का अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलो
गाइस यार अब मैं मिलता हूँ तुम लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा बाय बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जल्दी से कमेंट करके बता देना जिससे कि रोहित सर को पता लग पाए। जय श्री राम।